पहला शो ही फ्लॉप हो गया। पहले चरण की हवा और पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में देश में सफाया करेगी। भारतीय जनता पार्टी की न इनकी कहानी किसी को पसंद आ रही है, न इनके घिसे पिटे डायलॉग पसंद आ रहे हैं किसी को। और पहला ही शो फ्लॉप हो गया है, खिड़की पर कोई टिकट लेने भी नहीं जा रहा है। देखिए चुनाव में बहुत जल्दी तारीख आ जाएगी, जो हमारे साथी पूछ रहे हैं कन्नौज से, बहुत जल्दी आ जाएगा। और जो हमारे साथी कह रहे हैं, मैं तमाम उन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, उन परंपरागत वोट को, जो परंपरागत वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता था, लेकिन अपने मान सम्मान को लेकर के और उन्होंने अपनी राजनीतिक चेतना को आगे कर कर के उन्होंने जो वोट डालने का काम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किया है, मैं ऐसे सभी लोगों का बहुत बहुत नमन और धन्यवाद देना चाहता हूँ। पीडीए की परीक्षा और कई परीक्षाएं होनी है पीडीए की। ये पीडीए परिवार ही भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर रहा है, पीडीए ही एनडीए को हराएगा। पीडीए के साथ जो धोखा हुआ है, पीडीए के साथ जो भेदभाव हुआ है, पीडीए परिवार, पीडीए सदस्यों के साथ जिस तरीके से उनके अधिकारों को छीना गया है और जिस तरह से किसान दुखी है, क्या किसानों को आय दोगुनी की बात कही थी, क्या आय दोगुनी हो गई 10 साल में? जो उनको MSP कानूनी अधिकार मिलना चाहिए था, ये सरकार न कानूनी अधिकार दे रही है। और इतने पेपर लीक हुए हैं कि मुख्यमंत्री अपने भाषण में पेपर लीक के बारे में कोई शब्द नहीं कह रहे। क्या नौजवान ये भूल जाएगा जो पेपर लीक हुए हैं? कोई परीक्षा नहीं बची जिसमें पेपर लीक ना हो। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि 60 लाख नौजवान प्रभावित हुए, 60 लाख गुणा 3 1 करोड़ 80 लाख अगर भाग 80 में दे दें तो 2,25,000 वोट कम हुआ है। और हमारा साथी ठीक कह रहा है कि क्षत्रिय समाज और बहुत सारे ऐसे समाज निकल पड़े हैं लाखों की संख्या में, हर लोकसभा में इनका वोट कम हुआ है। ये लाखों वोट जो कम हुआ है, इसकी भरपाई भारतीय जनता पार्टी कहाँ से करेगी? समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन, ये मिली जुली संस्कृति की पहचान है। इंडिया गठबंधन भाईचारा को बढ़ाने वाला गठबंधन है। इंडिया गठबंधन किसानों के हक दिलाने के लिए गठबंधन है। इंडिया गठबंधन नौजवानों के साथ जो भेदभाव हुआ है, उस नौकरी और रोजगार दिलाने का गठबंधन है। एनडीए को हराने वाला इंडिया गठबंधन के साथ साथ पीडीए है। और भारतीय जनता पार्टी तो पूरे ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। और पिछले 10 साल का अगर हिसाब लगाएं तो इनसे ज़्यादा झूठ किसी दल ने नहीं बोला होगा, और इनसे ज़्यादा लूट किसी ने नहीं किया होगा। पीडीए सरकार, पीडीए के समर्थन वाली सरकार, ये भाजपा अभी और एक दूसरे को मारेगी। ये हमारे अच्छे डॉक्टर हैं, ये वो डॉक्टर हैं, इनको सही इलाज करना आता है। इनकी दवाई पहली बार में असर कर जाती है। ये वो डॉक्टर हैं जिन्हें दोबारा नहीं दिखाना पड़ेगा। ये इस बार इंडिया गठबंधन से घबराए हुए हैं।
प्रधानमंत्री बोल रहे हैं इंडिया गठबंधन। सर कन्नौज में चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप? इंडिया गठबंधन क्या जीतने जा रहा है और आपके अधिकारों को भी दिलाने का काम करेंगे अपने प्रेस के लोगों को।